तो राहुल जी, आज हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं डैक्स फंक्शंस के ऊपर। हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने बात की थी आपके साथ कि किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर, मैथमेटिक की कैलकुलेशन में कैसे यूज किया जाता है। इसमें हमने प्लस माइनस डिवाइड और बहुत सारे मैथमेटिकल फॉर्मूला को हमने आपके साथ डिस्कस किया था। आज जो है हम आपके साथ बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर एंड लॉजिकल फॉर्मूलेज के बारे में। तो यहां पे हम आते हैं, हमने आपके पास ये भी बताया था कि हमें क्यों डैक्स फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। देखिए, आपके पास जो डेटा हो, अगर उस डेटा में कोई पर्टिकुलर पार्ट ना हो, कैलकुलेट ना हो, तो यू कैन कैलकुलेट विथ फॉर्मूला। जैसे सिंपल सी, मुझे यहां पे पता करनी है कि किस मैंने कौन कौन से नंबर जो है ग्रेटर देन 50 है या नहीं, जस्ट मुझे पता करना है। मुझे एक रिपोर्ट में दर्शाना है कि ग्रेटर देन 50 वाले कितने हैं, लेस देन 50 वाले कितने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे न्यू कॉलम पे क्लिक करेंगे, एक लास्ट में नया कॉलम ऐड होगा। ये हमेशा लास्ट में ऐड होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप हेडिंग दीजिए, यहाँ पे लास्ट में ऐड होने के बाद यहाँ फॉर्मूला दिखता है। तो यह कॉलम आपको दिख रहा है, कॉलम में मैंने यहाँ पे डाल दिया हेडिंग। हेडिंग अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं, और मुझे जस्ट चेक करना है कि क्वांटिटी ग्रेटर देन 50 है नहीं। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 50 हमने यहाँ पे डाल के एंटर प्रेस कर दिया। आपके सामने रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स आया, मतलब कि आप पावर बीआई में एक्सेल की तरह आपके जो लॉजिकल ऑपरेटर है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, आप डायरेक्ट डाल सकते हैं। क्योंकि जनरली ये जो ऑपरेटर है, लोग क्या करते हैं, इफ फॉर्मूले के अंदर डालते हैं। ओके, जनरली लोग इफ फॉर्मूले के अंदर डालते हैं, लेकिन ये इफ का पार्ट नहीं है, ये इंडिविजुअल है। इफ को जो क्या चाहिए, ट्रू एंड फॉल्स चाहिए। जैसे मुझे यहां जो रिजल्ट आप दिख रहे हैं, इसमें मुझे ये नहीं चाहिए, मतलब कि ट्रू फॉल्स नहीं, इसके जगह पे यस एंड नो चाहिए, या अपने हिसाब से जो रिजल्ट चाहिए वो चाहिए। तो इसको हम इफ फॉर्मूले के अंदर डालेंगे कि इफ, और यहां पे इन्वर्टेड कॉमा में ओ यस एंड नो, जो भी है, जो भी रिजल्ट देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। एंटर प्रेस करें, आपके सामने रिजल्ट आ जाए। तो आप लॉजिकल ऑपरेटर जो आपने लगाया है, ये आप अलग से भी लगा सकते हैं, बट रिजल्ट ट्रू और फॉल्स आएगा, और खुद ब खुद भी लगा सकते हैं। ओके, मनोज जी, सॉरी राहुल जी, समझ में आया आपको? राहुल जी, कोई डाउट है इसमें आपको? एक मिनट, एक मिनट। हाँ ओके, तो यू वांट द हब हेल्थ फाइल? अभी नहीं, अभी नहीं है, अभी तो नहीं है। हाँ जी, इफ आ गया समझ में। तो इफ फॉर्मूला की मदद से हम इसी तरह के अपने लॉजिकल ऑपरेटर। इसमें मुझे सर एक चीज ये पूछनी थी, इसमें ये आपका बिग ब्रैकेट कब आता है, जो फर्स्ट ब्रैकेट होता है? ये जो ब्रैकेट है, ये किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करते हैं तो आता है। आई थिंक लास्ट क्लास में ध्यान नहीं दिया था। जैसे मान लीजिए मुझे इसमें से मुझे एमआरपी और इसमें एमआरपी छोड़िए, मुझे टोटल का कमीशन निकालना है, 2% का कमीशन निकालना है, ठीक है? तो हम न्यू कॉलम ऐड करते हैं, और जैसे कि आपको यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिख दिया कमीशन,
कमीशन लिखने के बाद मुझे अगर इसका टोटल का, तो यहाँ पे हम टोटल लिखेंगे, तो अगर टोटल आप डायरेक्ट लिख देते इस तरह से तो आपका गलत हो जाएगा। टोटल को हमेशा आपको लिखना होगा स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, अच्छा ठीक है, या फिर आप लिखने की जरूरत नहीं, आप इसको सिलेक्ट कर लो टैब से। जैसे आप टाइप करोगे ना तो आपको नीचे दिख जाएगा, टैब प्रेस कीजिए टाइप हो जाएगा। समझ उसके गया। बाद मुझे मान लीजिए इसमें 2% निकालना है, 0.02 हम लेके एंटर प्रेस करेंगे। जैसे कि मैं लास्ट टाइम ही बताया था कि यहाँ पे परसेंटेज अलाउड नहीं, हाँ करेक्ट है, क्लियर है। क्लियर है। तो दो चीज आपने समझा इसमें, पहला समझा आपने इफ फॉर्मूला, इफ फॉर्मूला हम इसमें कैसे लगाएंगे, और दूसरा आपने समझा यहाँ पे कमीशन, इसमें हम कमीशन कैसे दें, करेक्ट मतलब है। कि अब इसमें बारी आती है एक चीज और की मान लीजिए मुझे इसमें डबल कंडीशन लगाना। मैं चाहता हूं कि क्वांटिटी अगर 50 से 80 के बीच में हो तो 800 का इंसेंटिव देना चाहते हैं, अदरवाइज हम 100 रुपये का इंसेंटिव देना चाहते हैं। तो आप यहाँ न्यू रूल्स पे आइए और यहाँ पे हम INC नाम का फील्ड बनाते, इफ फॉर्मूला लगाते हैं और देते हैं यहां पे क्वांटिटी। क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 50। लेकिन एक इफ में आप एक ही कंडीशन लगा सकते हैं, तो आपके पास दो चॉइसेस हैं कि आप यहां पे दो इफ लगाएं या फिर एंड यूज करें। तो जैसे एक्सेल फॉर्मूले में एंड जो होता है वो दो कंडीशंस को, दो या दो से ज्यादा कंडीशन को फिलफिल करके आपको ट्रू एंड फॉल्स में रिजल्ट देता है। सेम यहाँ पे ये भी है कि आप दो कंडीशंस यहाँ पे हमने डाला कि ग्रेटर देन इक्वल टू 50 और फिर वापस क्वांटिटी डाला और बोला लेस देन इक्वल टू 80। तो हमने बोला कि क्वांटिटी 50 से बड़ा या बराबर है और क्वांटिटी 80 से छोटा या बराबर है। अगर दोनों जो दोनों कंडीशंस है अगर ओके हुए, ट्रू हुए, तो रिजल्ट आपका ट्रू या फॉल्स में आएगा। अब इस ट्रू एंड फॉल्स को आप अपने हिसाब से अगर चेंज करना है उसके लिए इफ फॉर्मूला का इस्तेमाल करें कि 800 अदरवाइज 100, एंटर प्रेस करें, रिजल्ट आपके सामने। ठीक है राहुल जी, करेक्ट है सर, ओके। हाँ अब यहां पे एक और ध्यान रखिएगा कि एक्सेल के अंदर जो एंड फंक्शन है उसके अंदर आप मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं, मल्टीपल के दो या दो से ज्यादा दे सकते हैं, बट जो पावर भी है क्या एंड और है उसमें आप सिर्फ दो कंडीशन दे सकते हैं, तीसरे के लिए उसके अंदर कोई ऐसा व्यवस्था नहीं किया गया। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कॉमा तीसरा करता हूं तो देखिए आपका यहाँ पे बोल्ड नहीं, मतलब कि इसका सिंटैक्स कंप्लीट हो चुका है, समझे। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि तीसरा कंडीशन हम कैसे दें। जैसे तीसरा कंडीशन ये देना है हमको कि हमारा MRP भी ग्रेटर देन 50 होना चाहिए, ठीक है, तब मैं कमीशन देना चाहूंगा। तो यहां पे तीन कंडीशन नहीं आएगा, लेकिन आप दो एंड लगा सकते हो। यहां पे आप एंड का फॉर्म लगाओ और उसके पहले कंडीशन में आप पहला वाला एंड दे दो और यहां आप दूसरे कंडीशन में तीसरा वाला लॉजिक दे दो कि अमाउंट इज ग्रेटर देन 50, अमाउंट सॉरी एमआरपी, माफ कीजिएगा, यहां पे मुझे एमआरपी करना। तो रिजल्ट यहां ट्रू आया, ठीक है, क्लियर सर।
ऐसे ही वो चौथा करना है, पांचवा करना है, दसवां करना है, तो ऐसे ही कर सकते हो। ओके हाँ जी सर, ठीक है। हेलो, एंड फॉर्मूला में आप दो से ज्यादा कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आपको करना है तो जितने एंड उतने आपको कंडीशन देना पड़ेगा। ठीक है, अब एंड के बाद बारी आती है और जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं मेरे पास कोर्सेज डले हैं, तो जैसे कि मैं बीवीए है और एक्सेल है, दो जो है ये हमारे एमआईएस कोर्स में आती है, तो यहां पे मुझे क्लब कोर्स का देना है कि भाई क्लब कोर्स कितना बन रहा है। तो न्यू कॉलम पे हम क्लिक करेंगे और यहां पे सी अंडरस्कोर हमने कोर्स डाला और यहां पे हम लाते हैं अपना और का फॉर्मूला। अब इसमें और डालने के पीछे रीजन ये है कि जरूरी नहीं कि दोनों कंडीशन होनी ही चाहिए, यहाँ पे एक्सेल भी हो सकता है, यहाँ पे वीवीए भी हो सकता है, तो हमने यहाँ पे और इसलिए डाला क्योंकि हमारे पास कंडीशंस रिक्वायर्ड नहीं, ऑप्शनल है कि कोर्स इक्वल टू एक्सेल कॉमा अगेन कोर्स इक्वल टू वीवीए। अगर रिजल्ट फुलफिल हुआ तो यहां पे ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो इसमें जो ट्रू आया आप देख पा रहे हैं, ट्रू आया तो इसमें वीवीए था, तो वीवीए आते ही इसने ट्रू कर दिया। अगर एक्सेल होता तो एक्सेल पे भी ट्रू कर देता। ठीक है सर, और इसमें भी आप दो ही कंडीशन दे सकते हैं, दो से ज्यादा कंडीशन नहीं दे सकते हैं। अगर आपके पास दो से ज्यादा कंडीशंस है देन आप क्या यूज करेंगे, एक और यूज करेंगे, जैसे एसक्यूएल है हमारा, तो एक बार और यूज हमने किया और हमने यहां पे बोला कि कोर्स इक्वल टू हम यहां देंगे एसक्यूएल, एंटर प्रेस कर दिया, एंटर प्रेस करते ही ट्रू आया। बट मुझे इसको तो एमआईएस और अदर में डालना है, तो यहां पे हम इफ कंडीशन लगाएंगे और बोलेंगे अगर ट्रू हुआ तो यहां हम डालेंगे एमआईएस और नहीं तो यहां डालेंगे हम अदर, एंटर प्रेस करें तो रिजल्ट आपके सामने। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो तीन फॉर्मूला आपने सीखा, इफ एंड एंड और और तीनों को एक साथ आपने कंबाइन करना सीखा कि हम कैसे कंबाइन किए। ये कॉलम एक ही लगेगा या कॉलम दूसरे पे भी लग सकता है? कौन सा कॉलम मतलब जैसे अभी तो हमने सिर्फ ये कोर्सेज वाला कॉलम लिया, आप आपकी अब कंडीशन के हिसाब से जो भी इनपुट हो सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, आप अपने इनपुट के हिसाब से चूज कर सकते हैं अपने कॉलम्स। ठीक है, ठीक है। मतलब इसमें कॉलम का कोई वो नहीं है। ठीक नहीं वो तो कंडीशन लगाई। है, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। तो सर इसकी प्रैक्टिस